नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ओव डिजिटल न्यूज एम पर दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में सो गस अभी के टाइम ब्राइटकॉम में लगातार दोस्तों दिन प्रतिदिन जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है लगातार अगर देखा जाए तो दो दोस्तों अब जो है कंपनी को लेकर नेगेटिव जो खबरें हैं वो अब दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब दोस्तों कंपनी के ऊपर पचास लाख रुपये का जुर्माना ऑलरेडी लग चुका है जुर्माना लगने के पीछे वजह क्या होने वाली है वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ साथ ही रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है सबसे पहले दोस्तों लास्ट टाइम प्राइस की अगर हम बात देखा जाए तो स्टॉक में का भी ट्रेप देखने को और गिरउट भी नजर आई जो लास्ट क्लोजिंग देखने को नजर आई थी चौदह पैसे के आसपास जो प्राइस थी वो फाइनल क्लोजिंग रही थी पर अभी के टाइम दोस्तों जो कंपनी के ऊपर जो जुर्माना अभी टाइम जो लगा हुआ है तो वो दोस्तों लास्ट टाइम देखने को अपडेट मिला है कि दोस्तों एन एफ आर ए दोस्तों ने दो एन एफ आर ए ने दोस्तों कंपनी के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है एन एफ आर ए ने दोस्तों ऑडिटरों को प्रतिबंधित किया है ब्रैडकॉम सी एम एन आई एल मामलों में खामियों के लिए दोस्तों पचास लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है पर अभी के लिए अगर देखा जाए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के मुताबिक एन एफ एन आई आर एफ के वित्त वर्ष दो से दो और वित्त वर्ष बाईस के बीस कंपनी के ऑडिट में दोस्तों पेशेवर कदार का हवाला देते हुए मेसर्स ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑडिटरों को 10 साल तक के लिए दोस्तों प्रतिबंध कर दिया है और उन पर भारी मौद्रिक जुर्माना लगा दिया गया है अब दोस्तों कंपनी के जो ऑडिटर थे तो उनको को दोस्तों ऑलरेडी दस साल के लिए दोस्तों ऑलरेडी बैन कर दिया है गया है तो कौन कौन सी ऑडिटर है कौन 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 से को बैन किया गया तो उन पर भी दोस्तों ऑलरेडी जो है अपडेट देखने को नजर आई है तो दोस्तों राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एन एफ आर ए ने दोस्तों वित्त वर्ष 2020 और वर वित्त वर्ष बाईस के बीस के कंपनी में ऑडिटर पेशे और कदाचार का हवाला देते हुए ब्रायटकॉम को दोस्तों दस साल का जो प्रतिबंधित था वो किया पर अभी टाइम उन पर भारी मौद्रिक जुर्माना भी लगाया गया है पर एनआरएफ शुक्रवार को दोस्तों आदेश के मुताबिक ऑडिट फर्म ऑडिटफोरम में एंड एसोसिएट्स के दो साल के लिए कोई भी ऑडिट कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया है वहीं चार्टेड अकाउंट गोपाल कृष्ण कंडुला को दस साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है तो दोस्तों कहीं ना कहीं अभी के टाइम इस स्टॉक की जो समस्या है अब बढ़ती हुई नजर आ रही है लगातार अगर देखा जाए तो लंबे वक्त की जो गुजर जाने के बाद भी दोस्तों जो समस्या है वो कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ रही है और कंपनी की जो समस्याएं दोस्तों वो कम होने का नाम नहीं ले रही तो अभी के टाइम दोस्तों सबसे नेगेटिव पॉइंट जो देखने को मिल रहा है कि आखिरकार दोस्तों समस्या है जो है कब तक कम होगी कंपनी का जो क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को नजर आएगा साथ ही साथ अभी के टाइम कल के मार्केट को लेकर क्या अपडेट वाली है तो दोस्तों कल मार्केट में एक बार फिर से ऑपरेटर्स का ट्रिप जा सकता है मार्केट में उतार चढ़ाव जो है वो एक बार फिर से बन सकते हैं और मार्केट में दोस्तों शेयर होल्डर्स को एक बार फिर से लल जाया जा सकता है क्योंकि मार्केट में कल एक बार फिर से मार्केट के ऑपरेटर्स के द्वारा दोस्तों बाइंग ऑर्डर लगाई जा सकती है मार्केट को दोस्तों अपमू ट्रेंड की तरफ ले जाया जा सकता है और इसी बीच में दोस्तों जो शेयर होल्डर्स है दोस्तों लालच के चक्कर में दोस्तों एक बार फिर से फंसने वाले हैं तो ये कहीं ना कहीं बड़ी नेगेटिविटी दोस्तों कल की मार्केट को लेकर रहने वाली है फिलहाल मैं तो दोस्तों इस चीज के लिए दोस्तों बिल्कुल भी बेरिकमेंड नहीं करूँगा फिलहाल अभी टाइम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हम लोगों को बनाना चाहिए क्योंकि आगे चलकर कंपनी दोस्तों इस जिस प्रकार कंपनी में लगा जो समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है कंपनी के ऑडिटरों को बैन किया जा रहा है साथ ही साथ से भी दोस्तों पर, पर बताया था कि आंखें बंद करके बैठी हुई है क्योंकि कंपनी का दोस्तों रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं कर रही कंपनी इतने लंबे वक्त से अगर देखा जाए तो रिजल्ट क्यों नहीं दे रही साथ ही साथ अभी लगातार अगर देखा जाए दोस्तों मैनेजमेंट इस सिल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है तो कम कंपनी की जो समस्या है दोस्तों वो एक लंबे वक्त के लिए काफ़ी ज़्यादा देखने को नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं गिरावट हमें नजर आएगी और हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा और इसी प्रकार के दोस्तों अगर खामियाँ कंपनी में लंबे वक्त के लिए चलती है तो फिर कंपनी दोस्तों मार्केट से दोस्तों प्रतिबंधित कर दी जाएगी क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि दोस्तों एन से कंपनी को झटका ऑलरेडी लग चुका है साथ, साथ वो लड़ी ही साथ बी ऑलरेडी पहले दे चुकी थी अब बी एस से ऑलरेडी झटका मिल चुका है कंपनी को लेकर दोस्तों जो नेगेटिविटी थी वो लड़ी आ चुकी है कि कंपनी को दोस्तों इंडेक्स 250 सौ पचास से ओलरेडी कंपनी को बार कर दिया गया है इंडेक्स 50 से दोस्तों कंपनी को बार कर दिया गया तो कहीं ना कहीं दोस्तों लगातार जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा नजर आने वाली है और लगातार जो गिरावट है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी तो अभी के लिए दोस्तों इस कंपनी से पैसा निकालना काफ़ी पॉजिटिव बात बन सकती है और गिरावट की जो समस्या है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है तो मैं तो आप लोग को दोस्तों ये सजेस्ट करूँगा कि फ़िलहाल अभी के टाइम लगातार अगर देखा जाए तो कंपनी में दोस्तों जो गिरावट है वो यहाँ पर लंबे वक्त के लिए जाने वाली है और जो कंटिन्यूसली जो शेयर होल्डर्स का जो है वो दोस्तों यहाँ पे फंसता हुआ ही नजर आएगा तो अभी के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों लगातार जो शेयर होल्डर्स को दोस्तों इस ट्रिप में ऑपरेटर्स के ट्रिप के द्वारा फंसाया जा गया था क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोग को पिछले लंबे वक्त में बताया था कि कंपनी अगर ऑलरेडी दोस्तों जो एक से एक सौ रुपए तक दोस्तों जो जंप कर सकती है और लगातार नौ रुपए तक दोस्तों वापस अगर गिर रही है तो ना कहीं ना कहीं कंपनी का मैनेजमेंट में सबसे बड़ा लोचा मैंने आप लोग को बताया था साथ ही साथ जो गिरावट थी वो भी हमें बढ़ती हुई नजर आई थी और कंटिन्यूसली लॉस का सामना हमें करना पड़ा है तो फिलहाल हमें अलर्ट रहने की भी आवश्यकता रहने वाली है फिलहाल दोस्तों आपकी नजर में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद पसंद आई आई होगी वीडियो को को लाइक कर कर देना देना चैनल चैनल नए हो दोस्तों सब्सक्राइब और जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कर देना और आपकी नजर में कोई पैनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना एलिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिजाती दीजिए जय श्री कृष्णा थैंक्स फॉर दिस वचिंग